बहुत कॉन्सेप्ट आठवां भाग है आज इसका। अच्छा, पिछले वीडियो में ये बताया था कि यम इक्वल टू क्या होता है, एक हमारा क्या होता है डब्ल्यू अपॉन यम होता है। एक यम इक्वल टू हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन ए वो गातोज नंबर बताया गया था। एक हमने ये बताया था कि यम इक्वल टू वी अपॉन, कल हमने ये तीन फार्मूला बताए थे और तीन फार्मूले में कल हम इसके कुछ जो है न्यूमेरिकल देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, देख लेते हैं ये। हमारे पास क्या है, मोल है, मोल हमारा क्या है यन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवो गातोज नंबर। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कणों की संख्या अपान एवोगाड्रो नंबर। अगर मान लिया पार्टिकल ना हो, अणु हो, तो या तो ये वाला फार्मूला होगा हमारे पास या तो कुछ ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवं एवोगाड्रो नंबर संख्या होगी या परमाणुओं की संख्या होगी। इसको कणों की संख्या भी लिख सकते हो और चाहे इसको परमाणु की संख्या भी लिख सकते हो। परमाणु की संख्या चाहे जो लिखो, चाहे परमाणु को चाहे अणुओं की संख्या अपान एवोगाड्रो की संख्या, या तो ये फार्मूला होगा हमारे पास, ये भी फार्मूले हैं, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, या फिर इसको हम चाहे सिंबल लिख सकते हैं, अब चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल हो अथवा मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है हमने बताया है 22 × 10^20, ठीक है, या फिर हिंदी में लिख लेते इसको कणों की संख्या अथवा अणुओं की संख्या। अपॉन 6
6.022 × 10^20। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है सेकेंड वाला। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि मोल के तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमने क्या बताया था, ये बताए थे। सेकेंड फार्मूला हमने क्या बताया था, ये बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल अपान यन ए। और तीसरा हमने क्या बताया था, 22.4। ये तीन फार्मूले हम बताए थे मोल के। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल हमको करवाना है। तो ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा डिराइव कर दिए हैं। अगर इसको हम चाहे शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इस वाले फार्मूले को, यानी कि जो हमने ये लिखा हुआ है कि यन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन यन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिनोट करते हैं, एन जीरो से, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यन ए से। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टकट में फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया। तो हम इस फार्मूले के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है हमारा, फोर मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज तो ये देखो कि दिया क्या हुआ है, मोल दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित में। ठीक है, अब निकालना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी भी हम एक फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, यन इज इक्वल टू क्या बताए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन यन ए बताए हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल के स्थान पर क्या लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या को लिख देते हैं। तो यन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपान एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब सवाल की तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4, यानी कि यन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को हमको क्या करना है, निकालना है। अब यन ए यानी कि एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या, यन ए, यन ए की वैल्यू कितनी होती है, यह हम सब जानते हैं, ये होती है
ठीक है। तो यानी कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये जानते हैं कि n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे चार है, हम यहाँ पे चार लिख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या अपान एन ए है, और एन ए की वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10^20 होगी। अब निकालना हमको क्या है, ये निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या इक्वल टू 4 × 6.022 × 10^23 क्या हो जाएगा, ये 4 × 8 ये क्या होगा, 0 होगा, 6 × 6 = 24 × 10^23 क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब अणुओं की संख्या। तो चार मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24.08 × 10^23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल पांच मोल जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। पांच मोल जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, दिया गया है, मैटर कौन सा है हमारे पास, जल, ठीक है। अब इसमें मोलों की संख्या कितनी है, मोल, मोल का मतलब क्या, स्मॉल एन, कितना है, 5 मोल है। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, जल के अणुओं की संख्या, यानी H2O के अणुओं की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। और एक चीज और आएगा, एक होगा अपोज नंबर, यानी कि एन ए वैल्यू की होती है, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कि कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, कुछ भी, अपान एवोगाड्रो नंबर। अब देखो दिया गया पदार्थ हमारा क्या है, H2O है, तो अब हम यहाँ पे परमाणु कण अथवा अणु के साथ हम क्या लिखेंगे, जल लिखेंगे।
तो यहां किस मार्जन क्या हो जाएगा, जल के अणुओं की संख्या अपान क्या है, एवोगाड्रो नंबर, इससे लिखते हैं या एन से लिखते हैं। अब हमारा दिया हुआ है तो एन की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जल के अणुओं की संख्या लिखेंगे, जल के अणुओं की संख्या यन के की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10³। क्या निकाल लेते हैं, जल के अणुओं की संख्या को निकाल लेते हैं, तो जल के अणुओं की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 6.022 × 10³। हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 × 10 × 10 = 11 हो जाएगा, 6×5 = 30 × 10³ मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ, 5 मोल जल में उपस्थित H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 5 मोल जल है तो इस 5 मोल जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30.110 × 10³ मॉलिक्यूल्स होगा। एक मेथड और देख लेते हैं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है, होमवर्क का है, इसे करना है सबको।